चांद निकल गया, मैं लोहे का बना चांद निकल गया, वह इसे कील कहते हैं। मैं निकल गया इस औद्योगिक मल को, बेरोजगारी के सभी कागज पत्र को, मशीनों पर झुके जवान अपने समय से पहले मरते हैं। मैं हलचल और बेजारी निकल गया, निकल गया पैदल पार पथों को, जंग लगे जीवन को, अब और नहीं निकला जाता, जो सब निकला अब फूट रहा है मेरे गले से, मेरे पूर्वजों की धरती पर यह शर्मनाक कविता बनकर। तो इसके बाद साथी जिया आएंगी जो शूले जी की एक और कविता प्रेजेंट करेंगी। मैं जू लिजी की एक और कविता पेश करूंगी, इसका इंग्लिश वर्जन, जिसका टाइटल है द लास्ट ग्रेवयार्ड। इवन द मशीन इज नॉडिंग ऑफ, सील्ड वर्कशॉप्स स्टोर डिजीज्ड आयरन, वेजेस कंसील्ड बिहाइंड कर्टेन्स, लाइक द लव दैट यंग वर्कर्स बरी एट द बॉटम ऑफ देयर हार्ट्स, विद नो टाइम फॉर एक्सप्रेशंस, इमोशंस क्रम्बल्ड इन टू डस्ट। They have stomachs forged of iron, full of thick acid, sulfuric and nitric. Industry captured their tears before they have the chance to fall. Time flows by, their heads lost in fog. Output weighs down their age, pain works overtime day and night. In their lives, dizziness before their time is latent. The jig forces the skin to peel at it on a layer of iron alloy. Some still endure, taken by illness. I'm dozing between them, guarding the last graveyard of our youth. Thank you. Thank you, Zia and Anushka. Ye jo poems Zia and Anushka ne पढ़ी, वो जू लिजी बोल के एक चाइनीज वर्कर थे जो फॉक्सकॉन में काम करते थे। वहाँ एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं बहुत ही सस्ते के थ्रू, बहुत ही कम वेजेस में और बहुत ही बुरे काम के कंडीशंस में ये लेबर फोर्स को काम कराया जाता है। इनफैक्ट उसी जगह में, उसी कंपनी में 2010 से हर साल बहुत सारी आत्महत्याओं की घटना बार बार उभर के आई है। में भी 2019 जो डेटा है, सरकारी डेटा बताता है कि 42,000 खुदकुशी 2019 में करी हो, और डेली वेज वर्कर्स जो है उनके द्वारा। ये डेटा एक तरफ है, और दूसरी तरफ हमने देखा कि पिछले एक महीने में ही किसानों और मजदूरों दोनों के हकों पर किस तरीके का वार किया गया है। जहां देश में जो 44 लेबर लॉस थे उनको आज 4 लेबर कोड्स में बदला जा रहा है, और एक लंबी लड़ाई के बाद जो राइट्स अश्योर्ड थे वर्कर्स के, उनको भी आज छीना जा रहा है। देखा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी किस तरीके से अलग अलग बदलाव लाए जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा बुरी तरीके से उन्हीं किसानों को अफेक्ट करेंगे जो सबसे जिनके पास ना तो जमीन है और वो एक्चुअली एग्रीकल्चरल लेबर, और उनका सिचुएशन और भी आज बुरा कर दिया जाएगा। जो हम न्यूज में शायद उतना नहीं पढ़ते हैं, पर किसानों की आत्महत्या और वर्कर्स की आत्महत्या जो रोज होती है, और जिसका डेटा इतना एक गहरा सच आज हमारे समाज के बारे में दिखाता है, लेकर ही ये कविताएं भी एक्चुअली हमें उसी सच की तरफ ले जाती हैं।